प्यारे साथियों, सांस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम नेत्रदान के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ प्रश्न मैं रख रहा हूँ। हाँ जी, आप ये बताइए कि नेत्रदान क्या है? देखो, जो आई डोनेशन है उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जीते जीते अपनी आंखें दान कर देता है। जैसे बहुत सारे दान होते हैं, ब्लड डोनेशन, मनी का डोनेशन, पूरी होल बॉडी का डोनेशन, वैसे आई डोनेशन होता है। इस डोनेशन में जो दान देने वाला है एक फॉर्म पे अपने साइन करता है तथा यह बिल कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी आंखें दो अंधे व्यक्तियों को दान कर दी जाएं। हमें ये बताइए कि हमारे जो आंख की जो पुतली है ये किस प्रकार से खराब हो जाती है? देखो, जो आंख की पुतली है इसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। यदि भोजन में संतुलित तत्व नहीं है, या इन्फेक्शन हो गई है, या फिर एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण से हमारी आंखों की पुतली खराब हो सकती है। और भी कोई कारण हो तो बताइए। बहुत सारे कारण हैं, जन्मजात रीजन है, पर 90% जो ब्लाइंड हैं वो ठीक हो सकते हैं आई डोनेशन के द्वारा। यानी कि उनकी आंख की पुतली डाली जा सकती है? नहीं नहीं असल में क्या होता है कि आंख के बीच में एक कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कर किया जाता है, तो उसके थ्रू जो व्यक्ति वो देख सकता है। अब हमें ये बताइए कि नेत्रदान की क्या आवश्यकता है? देखिए, भारत देश में इस समय 10 मिलियन से अधिक व्यक्ति अंधे हैं और पूरे विश्व में 37 मिलियन व्यक्ति अंधे हैं तथा उन सबको देखने के लिए आई डोनेशन का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। हर रोज भारत देश में 60,000 से अधिक व्यक्ति इस दुनिया को त्याग कर चले जाते हैं तथा उनमें से सिर्फ 10% व्यक्ति हैं जो आई डोनेशन करते हैं। क्या यह अच्छा ना होगा कि वो जितने व्यक्ति इस दुनिया से गए हैं वो सभी की सभी आंखें दान करके जाएं तथा इसका लाभ पूरे भारतवर्ष के जो ब्लाइंड्स हैं उनको मिले। आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचिए कि हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ये जो संसार है हमारे लिए अंधकारमय हो जाता है, तो प्रकाश उनको दिखाने के लिए हमें हर हालत में आई डोनेशन को प्रमोट करना चाहिए। विभिन्न स्थानों में आई बैंक खुले हुए हैं, तो आई बैंक क्या है? देखो, जो आई बैंक है एक समाज सेवी संस्था है जो डोनेटेड आईज को कलेक्ट करती है किसी व्यक्ति के डेथ के समय तथा उसको संभाल के रखती है। जब भी कोई ब्लाइंड व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसको फ्री में वो आईज डोनेट की जाती हैं। नेत्रदाता के किस प्रकार से हो? नंबर एक पे कि उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं होना चाहिए, नंबर दो पे एड्स HIV का वो पेशेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दूसरे पेशेंट आई डोनेशन कर सकते हैं। 1 साल की उम्र से लेकर जितनी आपकी एज है, जिस उम्र में आप चाहो, यह एक फॉर्म फिल करके, एक प्लेटफॉर्म फिल करके आप अपने आंखें दान कर सकते हो। नेत्रदान जो कर चुका है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस समय तक वो अपना वो आंखें दान उसकी की जा सकती हैं? देखो, जो उसके रिलेटिव हैं वो जैसे डेथ होती है उसके तुरंत बाद ही आई बैंक को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उनके मोबाइल नंबर होते हैं उसके थ्रू तथा विद इन 6 और 8 घंटे के बीच बीच आंखें जो आई बैंक द्वारा ले ली जानी चाहिए, तो उसको काफ़ी उसका बेनिफिट हो सकता है। समाज में
बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। एक भ्रांति का निदान करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें ये आता है कि ज़्यादातर लोग आंखें दान इसलिए नहीं करते कि वो ये समझते हैं कि उनका चेहरा खराब हो जाएगा। तो क्या इससे आंखें दान करने से चेहरा खराब हो जाता है? ये आपके मरने के बाद लिया जाएगा। जब तक आप जीवित हैं कोई भी व्यक्ति आपकी आंखें नहीं ले सकता। ये एक डोनेशन है, इसी की कोई सेल परचेज तो होनी नहीं है। तो मरने के बाद सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, जो आपकी आँख की पुतली है वो ले ली जाती है, फिर आंखें बंद कर दी जाती हैं। तो ह्यूमन की सबसे बेस्ट सर्विस ये है कि जो अंधे हैं देख सकते हैं, तथा मरने के बाद वैसे ही इसको जला दिया जाएगा, जो मुसलमान है वैसे ही मिट्टी में दबा देंगे। तो बेनिफिट तो ये है कि इसको जो अंधे व्यक्ति हैं उनको डोनेट कर देना चाहिए। तो देखा आपने कि हमारे एक साथी ने कुछ प्रश्नों का निदान किया है, जो समाज को बताना इसलिए ज़रूरी है कि समाज में जो आँख दान के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर की जा सकें। हमारा यही यत्न है कि जो भी सज्जन आँख दान करना चाहते हैं वो बेझिझक दान कर सकते हैं, क्योंकि दान जहाँ एक महान कल्याण के लिए होता है, वहाँ ये दान उस उपकार के लिए भी है कि जिससे एक अंधा व्यक्ति पूरी दुनिया को देख सकता है। धन्यवाद।